मंदसौर के सानरा गांव में लगी पुरानी टायर की फैक्ट्री में फिल्टर में ब्लास्ट होने की वजह से एक मजदूर की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे झाड़ावाला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। प्रशासन की लापरवाही के कारण बिना नियमावली से इस प्रकार की फैक्ट्रियां जिले में कई जगह चल रही हैं, जिनमें मजदूरों की सेफ्टी तक नहीं है। वहीं प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है, इस कारण इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने कई बार इसकी शिकायत भी की, लेकिन इसे लेकर प्रशासन ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया। सर, पहले भी इस फैक्ट्री में एक बार पहले भी ऐसा हादसा हुआ था, जब भी एक आदमी की मरने की संभावना थी, लेकिन कोई उसका भी पता नहीं चलने दिया तुरंत, क्योंकि सेठ बहुत दमंग आदमी है, कि उसने क्या है कि तुरंत झालावाड़ उसको रेफर करके पता नहीं चला क्या हुआ था। और हमने इसकी, जब हमारे पीछे एक सुदूर ग्राम सड़क का काम चल रहा है, जिस पर हमने पटवारी जी से सीमांकन करवाया, तो इस फैक्ट्री वाला सेठ ने कम से कम 70 फीट जमीन पर इसने कब्जा कर रखा, शासन की जमीन पर। भानपुरा क्षेत्र के ग्राम सानड़ा में एक फैक्ट्री है जो पुराने टायरों को जला के तेल निकालने का काम करती है। आज सुबह 8 बजे वहाँ एक फिल्टर में ब्लास्ट हुआ, तो उससे 2 घायल हुए हैं, जिनमें से दोनों घायलों को तत्काल गाड़ी से झालावाड़ रेफर किया है। उसमें से एक घायल जिसके ऊपर कंटेनर का ढक्कन गिरा था, उसके सर में गंभीर चोट थी, तो उसकी मृत्यु हो गई है। सुनील भील जो निवासी झाबुआ के थे, यहाँ मजदूरी करने आए थे, उनकी मृत्यु हो गई है। और एक जिनके कपड़े जले थे, वो भी गंभीर घायल हैं, उनको भी झाबुआ रेफर करा। सतना के रामनगर में जंगल के बीच